पूरनपुर तहसील क्षेत्र के ग्राम चंदिया हजारा गांव में शारदा नदी का जलस्तर बढ़ने के कारण जलमग्न हुई कई एकड़ गन्ना की फसलें एवं पानी से गांव में कटान के बाद बाढ़ का पानी घरों में भर गया, जिसको लेकर क्षेत्रीय ग्रामीण काफी परेशान हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि पानी भरने के बाद अभी तक प्रशासन के द्वारा कोई भी मदद उनको नहीं मिली। जिन ग्रामीणों के कच्चे घर हैं, वह अपने बच्चों के साथ सड़क पर रहने को मजबूर हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि घरों में पानी भरने की वजह से खाने पीने को लेकर भी काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में ज्यादातर ग्रामीण सड़क पर रहने को मजबूर हैं। वहीं कुछ ग्रामीणों ने बताया कि बाढ़ का पानी आने के बाद जिला एवं तहसील प्रशासन के अधिकारी केवल निरीक्षण के नाम पर खानापूर्ति करके चले गए, जिस कारण ग्रामीणों को अभी तक तहसील प्रशासन के द्वारा कोई भी सुविधा मुहैया नहीं कराई गई है, जिसको लेकर क्षेत्रीय ग्रामीणों में रोष देखा जा रहा है। देखिए पूरी खबर इन तस्वीरों में। लमसम कितना नुकसान हुआ होगा अब तक? सर नुकसान खेती में, सर खेती में या घर गांव में कितना नुकसान हुआ होगा? सर गांव वाले वो छोड़ दिया सर, बस खेत का हमारा कटान रोक गया, यही हमारा मुख्य कारण है। कम से कम कितना एकड़ नुकसान हुआ है सर? 100-200 एकड़ तो नुकसान हो गया, 200 एकड़ लमसम हो ही गया है। 200 एकड़ जी गन्ना नष्ट हुआ है? जी गन्ना तो 2-3 एकड़ अभी जंगल काट के खेती में आ गए। बिना सरकार कहाँ के रहने वाले हैं? ये चंदी है सर। तो ये जो बाढ़ आई हुई है और ये जल भराव हुआ है, ये क्या समस्या है आपके गांव में? समस्या हर साल आते है ऐसे पानी। तो पानी जो घरों घर घर में पानी भरा हुआ है, इससे आपका जनजीवन अस्त व्यस्त काफी हुआ होगा? काफी हुआ। कोई अधिकारी आया यहाँ पे? अधिकारी आते हैं रोजाना, आके फिर वो देख के चले जाते हैं। मतलब अभी तक आपकी कोई समस्याओं का समाधान नहीं हुआ है ना? तो अब आप क्या चाहते हैं प्रशासन से? इसका व्यवस्था करे कि पानी ना रहे। तो इस समय आप किस हिसाब से जिंदगी जी रहे हैं यहाँ पे? अब क्या बताए, हाँ बहुत कष्टमय है। कोई मूलभूत सुविधाएं गवर्नमेंट की तरफ से आपको सरकार की तरफ से मिली है ना? माता जी कहाँ के रहने वाली हैं आप? हजरत रहने वाली। माता जी जो ये यहाँ पे बाढ़ आई हुई है, घर घर में पानी भरा हुआ है, तो इस संदर्भ में क्या कहना चाहेंगे आप? जो पानी नहीं आ रहा है उससे वही चाहेंगे, हर साल हम डूब के मरेगी। तो इस बारे में कोई अधिकारी आया यहाँ पे जांच करने के लिए? आया है, आया देख के चला। बारी नहीं आशा है, बारी घर पे नहीं आया। घर पे नहीं आया कोई ना? आपको कोई सुविधाएं मिली है? नहीं, कोई सुविधाएं मिली है ये सब को नहीं मिला। अब आप क्या चाहते हैं? तो चाहते है घर, घर चाहता है। घर तो नहीं है हमारा, ये है मंदिर है, मंदिर में खाना बनाता है, मंदिर में रहता है। तो आप मंदिर में रहकर खाना बना रहे हैं? हाँ। घर में आपके पानी भरा है? हाँ। देखो पानी है, अभी तक पानी है घर में।